देर हो गई है। कल से ठीक समय पर सत्संग शुरू होगा। हाँ, 4:30-5 के आसपास। साढ़े चार बजे, साढ़े चार बजे शुरू होगा कल से। दो मिनट कीर्तन कर लो। मदन मोहन पिय राधे राधे, राधे राधे पिय राधे राधे, मदन मोहन पिय राधे राधे, दीन दयालो राधे राधे, कृष्ण कृपालो राधे राधे, कृष्ण कृपालो राधे राधे, भानु दुलारी राधे राधे, वृंदावन रानी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, दीन दीन वत्सले राधे राधे, कृपा वत्सले राधे राधे, वत्सले राधे राधे, शरण वत्सले राधे राधे, भक्त वत्सले राधे राधे, मदन मोहन पिय राधे राधे, मदन मोहन पिय नंद नंदन पिय राधे राधे,
राधे 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 राधा महारानी राधे राधे राधा महारानी राधे राधे वृंदावन रानी राधे राधे मेरी महारानी राधे राधे मदन मोहन पिया राधे राधे मदन मोहन पिया राधे राधे मदन मोहन पिया राधे राधे चौरासी को उसकी यात्रा समाप्त हुई। और डॉक्टर लोग कहते रहे कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। लेकिन श्री जी ने कृपा किया, हम भी चले। और चले ही नहीं बल्कि पूरी यात्रा किया। कल इसीलिए हम सत्संग में आए रात को, एक दिन रह गया है, आज हम अपनी सेवा क्यों छोड़ें। हर व्यक्ति जीव का धर्म है सेवा करना। जीव स्वरूपतः दास है। सेवा जब छोड़ देता है तो वो शून्य से भी नीचे चला जाता है। सेवा ही एक ऐसी चीज है, कुछ भी काम करो सेवा के भाव से करो तो सेवा बन जाएगा। और स्वामी के भाव से करोगे तो आसुरी भाव हो जाएगा। भगवान ने गीता में कहा है, आसुरी संपत्तियां क्या हैं? असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। सोलहवें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जरा सा भी भाव आया, मैंने विजय प्राप्त किया,
मैंने लड़ाई जीती, मैं सिद्ध हो गया, बलवान हो गया, सुखी हो गया, असुर बन गए। सोचा था भक्त बनने, बन गए असुर। ये बात हमने कल सुनाई थी केनोपनिषद में, देवासुर संग्राम में देवताओं को अहम पैदा हुआ। ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञो तस्य है ब्रह्मणो विजय देवा अमहियंत अस्माकम एव महिमा अस्माकम एव विजय। ये विजय हमारी है, ये महिमा हमारी है। ये विचार आया और भगवान ने कहा ये तो असुर बन गए, इनको संभालना जरूरी है। ये सृष्टि के शुरू की बात है। देवासुर संग्राम सृष्टि के पहले से चला आ रहा है। विजय भगवान की होती है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, देवेभ्यो में चतुर्थी है। देवताओं के लिए ब्रह्म जीता, भगवान जीते। लेकिन तस्य ब्रह्मणो विजय, विजय तो भगवान की थी। देवा अमाहियंत, देवताओं ने अपने बड़प्पन को समझा, अस्माकम एव विजयो अस्माकम एव अयम महिमा। जब जीव समझ लेता है कि हमारी विजय है, ये हमारी महिमा है, हमारा प्रभाव है, मिट्टी में मिल जाता है। उसी को आसुरी भाव कहते हैं। ये आसुरी भाव हर व्यक्ति के भीतर छिपा रहता है। इसीलिए केनोपनिषद में सबसे पहले यही बात बताई गई कि तुम अपनी विजय को, अपनी सफलताओं को अपना मत समझ लेना। अपना विजय समझोगे, अपनी सफलता समझोगे, ये आसुरी भाव है। हर व्यक्ति के भीतर आसुरी भाव, आसुरी संपत्तियां छिपी रहती हैं। विभीषण ने कहा था, कुमति सुमति सबके उर रही, सबके हृदय में ये कुमति और सुमति है। लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति
जहां कुमति तहां विपति निधाना, कुमति और सुमति दोनों हमारे हृदय में हैं। ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक जीव मात्र के हृदय में हैं। इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, सभी देवता फिसल गए और सोचने लग गए अस्माकम एव विजय, अस्माकम एव महिमा, हम जीते, हमारी महिमा है। बस भगवान समझ गए ये असुर बन गए। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, हम बलवान हैं हम सुखी हैं, हम ईश्वर माने शासक हैं। ईश धातु शासने, हम भोक्ता हैं, यह आश्रम हमारा है, पैसा हमारा है, जैसे गृहस्थी आदमी सोचता है तनख्वाह हमारी है, वैसे ही हम लोग भी आसुरी भाव में आ जाते हैं। यह स्थान हमारा है, ये कुटिया हमारी है, ये सब आसुरी भाव है। और देखा जाए तो हर समय हर आदमी यही आसुरी भाव में डूबा रहता है। ऊपर से कहता है सब कुछ भगवान का है, लेकिन भीतर आसुरी भाव छिपा रहता है कि हमारा प्रभाव है, ये हमारा आश्रम है, हमारा स्थान है। मैं और मोर तोर ते माया, जही बस कीने जीव निकाया, निकाय मने समुदाय, इशारा जीव समुदाय, मैं मेरा पन में बंधा हुआ है, कोई भी इससे बचा नहीं है। जीव निकाया में चीटी से ब्रह्मा तक आ गए, सब मैं मेरे पन में बंधे हुए हैं। और उसको पहचान नहीं पाते हम, क्योंकि हृदय की गुफा में ये भाव बैठे रहते हैं। और जब ये अहम चला जाता है, वही हृदय भाव योग बन जाता है। योग माने भगवान से संयोग हो जाता है जीव का, और वहां भगवान आ जाते हैं। जब जीव में अहम चला जाता है, उसी समय हृदय में भगवान आ जाते हैं। जब मैं था तो तू नहीं, जब तू है मैं ना है, जब तक जीव के अंदर मैं है, तू माने भगवान नहीं आता, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। भाषण कर ले
कथा कर ले, वार्ता कर ले। जब मैं था तो तू नहीं, जब तू है मैं ना ही। जब प्रभु आ जाते हैं तो मैं चला जाता है। प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वय न समाई। ये इतनी छोटी गली है प्रेम गली, इसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, मैं और तू, या मैं है तो तू नहीं है, तू आ गया तो मैं खत्म हो गया। दोनों एक साथ इस गली में नहीं रह सकते। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अज्ञाना, यही जीव धर्म है। अहम ये चला गया, दैन्य आ गया, उस हृदय में केवल भगवान रहते हैं। मैं से रहित हृदय में केवल भगवान रहते हैं। फिर वो जो कुछ करेगा भगवान करेंगे, उसके सभी कार्य भगवान करते हैं। भीष्म पिता ने एक बात कहा था कि महाभारत की लड़ाई देवता नहीं जीत सकते थे, ये महाभारत अर्जुन नहीं जीता है। सच बात यह है, सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य। भीष्म ने कहा, मैंने आंखों से देखा, दोनों सेनाएं खड़ी थीं, और अर्जुन ने कहा सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे च्युतो। हे गोविंद, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। ऑर्डर किया, याव देतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान। मैं देखूं तो मुझे किसके किससे लड़ना है, किससे किसका सामना होगा, किसके बाण मुझ में आएंगे, किस पर मुझे बाण चलाना है, ये मैं देखूं आज। इसलिए मेरा रथ खड़ा कर दो। अब भीष्म पितामह सुन रहे थे कि अर्जुन ने ऑर्डर दिया और भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। देख ले, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये कृपाचार्य हैं, तेरे गुरुदेव हैं, देव विजी देते दादाजी हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने परशुराम को जीत लिया था, भगवान के अवतार भगवान को जीत लिया, भगवान कृष्ण को जीत लिया, उनकी वाणी तोड़वा दिया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवा दिया। देख ले, ये खड़े हैं तेरे सामने। लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन इनको जीत नहीं पाएगा।
सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये सेनियोर भियोर मध्ये मेरा रथ खड़ा करो। स्थापित्वा रथोत्तमम, कृष्ण ने रथ खड़ा कर दिया। निजियोर परियोर बले रथम निवेश्य, उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं एक बात ऐसी भाई जिसको कोई समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने देखा भीष्म खड़े हैं जिन्होंने परशुराम भगवान को जीत लिया था, गुरुदेव को, और हमें भी जीतेंगे। इनको अर्जुन क्या जीतेगा, इनको अर्जुन क्या मारेगा। कृपाचार्य अमर हैं, अश्वत्थामा अमर हैं, कैसे मारेगा अर्जुन, कैसे जीतेगा। इसलिए निज परियोर बले रथम निवेश्य स्थितपतिम, खड़े हो गए भगवान और उनकी आयु को अक्षणा हृतिपति अपनी नजर से हर लिया, मार दिया सबको। निज परियोर बले रथम निवेश स्थितपतिर परसाई निकारियु रक्षणा हृतिपति। जितनी करोड़ों की सेनाएं थी, महारथी महावीर सबकी आयु को अपनी आंखों से हर लिया। मर तो सब उसी समय गए थे, पर सैनिक आयु रक्षणा हृतिवती, ऐसे पार्थ सखे अर्जुन के सखा में मेरी प्रीति हो जाए। ये भीष्म ने स्तुति किया है। जब श्री कृष्ण गए हैं अंतिम समय, शरसैया पर पड़े थे भीष्म, बोले खड़े रहो, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, भगवान खड़े रहे यहां। यावत कलेवरम हिनोम्य हम, जब तक मैं शरीर छोड़ता हूं खड़े रहें। भगवान खड़े हो गए और खड़े रहे। भीष्म ने उपदेश दिया, खड़े रहे शिष्य की तरह। कई दिन उपदेश चला, भगवान ने दिखा दिया हम भक्तों के दास हैं। और सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोम्य हम, जब तक मेरा शरीर है यहां तब तक ये खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा खड़े रहेंगे भाई, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, क्योंकि ये सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुनु सुरेश
राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई, यदि सभी यात्रियों को मैं सेव्य नहीं मानूं तो कभी नहीं जी सकता हूं। जिस दिन हम सोच लेंगे हम यात्रा चला रहे हैं उसी दिन नष्ट हो जाएंगे। शक्ति चली जाएगी वापस। जब तक हम ये सोचते रहेंगे यात्रियों की सेवा का पुण्य है, तब तक हम जीतते रहेंगे। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उर्गार, भजिए राम पद पंगज असिद्धांत विचार। भजन करने के पहले अपने हृदय में देखो कि तुम्हारे में सेवा भाव है कि नहीं है। तुम सबको सेव्य समझते हो कि नहीं है। कहीं प्राणी मात्र को तुमने हीन भाव कर लिया तो मारे जाओगे। भाषण में कुछ भी कह दो जीव कल्याण के लिए कि भजन नहीं करोगे तो कुत्ते हो बिल्ली हो गधे हो, ये महापुरुषों ने कहा है। हरिण भजे तिनके मुख कारे, ये महापुरुषों ने कहा है, लेकिन मुंह से कहा है। हृदय में उनका भाव था सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवत भक्तों के हृदय के भाव को हम जैसे मनुष्य समझ नहीं सकते। वो क्या कहते हैं क्या करते हैं उनके हृदय का क्या भाव है उसको कभी नहीं समझ सकता साधारण आदमी, कभी नहीं समझ सकता। क्योंकि भागवत में कहा गया है एक तो है भगवान, एक होता है भगवान का भक्त। भगवान को तो समझ नहीं सकता प्राणी। यत् सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इत्यूढ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम भजतोपि पुर्याम। भगवान यहां रह रहे हैं बहुत दूर दूर नहीं सुदूर, कभी पास में नहीं आ सकते।
जब तक ममाहम बुद्धि है, अहंता ममता है, तब तक भगवान बहुत दूर है। तो भगवान को तो हम पा ही नहीं सकते। रहे भगवत भक्त, भगवान के भक्तों को भी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं दोनों में फर्क होता है। हरि न भजे तिनके मुख कारे, ये भगवत मुखों का मुख काला है। कुछ कह रहे हैं लेकिन हृदय में भाव उनका क्या है इसको हम तुम नहीं समझ सकते। भगवत भक्तों को असंभव है समझना। तान वही असत वृत्ति भी रक्षिभिर, ये भागवत का श्लोक है। पराहृतांतर मनसह परेश, हम लोग भगवान के भक्तों को नहीं समझ सकते क्योंकि बहिर्मुख हैं। हमारी दृष्टि में काम क्रोध है तो हम वैसे ही समझते हैं, ये लड्डू खा रहा है, बड़ा चट्टू है, बड़ा पेटू है, पैसा रखता है, बड़ा लोभी है, ये सब दोष बड़ी जल्दी दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है कि हमारी असत वृत्तियां उन भक्तों को समझ में नहीं देंगी। तान वही असत वृत्ति भी रक्षिभिर, ये पराहृतांतर मनस परेश, बोले क्यों नहीं समझ सकती, क्योंकि वो भीतर से भगवान के चरणों में उनका प्रेम है। एक घटना सुनाते हैं, आंखों देखी, हमने यात्रा किया था 84 को, उसकी 55 साल पहले अपनी माता जी को कराया था हमने, स्वामी हरिनारायण दास जी की यात्रा थी। बड़े अच्छे संत थे, यात्रा जब समाप्त हो गई तो हर आदमी गया दंडवत करने, तो नोट रख देता था, सरल महात्मा थे, स्वयं उठा लेते थे। हमारे पास उस समय एक विद्वान महात्मा थे, नाम नहीं बताएंगे, बड़े विद्वान थे, नामी थे, और वो बोले देखा तुमने स्वामी जी कैसा नोट उठा रहे थे, कैसा गिन रहे थे। ये बात 55 साल पुरानी है, लेकिन ये बात हमको इतनी बुरी लगी, कड़वी लगी, कि मनुष्य इतना विद्वान होकर के नीच है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, तुम चला के दिखा दो, पैसा गिन रहे हैं तो क्या हुआ। उस दिन से उनके पास हमने बैठना छोड़ दिया। ये तो
खाली पैसा ही गिनने में इनकी अश्रद्धा हो गई। कोई विक्रम देखते तो जाने क्या हो जाता, कितने क्षुद्र श्रद्धा के लोग हैं। देवता बोले तान वही असत वृत्ति भी रक्ष भी यही परारितांतर मनसह परेश अथो न पश्यंती। उन भक्तों को ये देख नहीं सकते, समझ सकते नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके भीतर क्या है, बाहर से तो पैसा गिन रहे हैं लेकिन भीतर अथो न पश्यंती उर्गाय नूनम येते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। इनके हृदय में भगवान के चरणों के शोभा, चरणों का प्रेम, राधा रानी के चरणों की शोभा घुसी हुई है। ये उस बात को नहीं समझ सकते, ये तो बाहरी काम, केवल पैसा छू लिया, पैसा गिन लिया, इसी में मारे गए। तो भगवान को तो हम देख नहीं सकते, अहंता ममता कारण, भक्तों को भी नहीं समझ सकते, अपनी बहिर्मुखता का कारण। इसीलिए जब सच्चा दैन्य आ जाता है तभी कुछ भगवान की कृपा मिलती है। सच्चा दैन्य में अहम नहीं होता, जब अहम नहीं होता तो अन्य विकार नहीं होते, लेकिन विकार दिखाई पड़ते हैं वो अपनी दुष्ट वृत्तियों के कारण से। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हम लोग पैसा गिनते हैं तो दूसरा गिन रहा है तो ऐसे ही समझते हैं हमारी जैसा ही ये भी लोभी है। इसलिए सच्चा भाव नहीं आता, जब सच्चा भाव नहीं आता तो भगवान नहीं आते, बहिर्मुख बने रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज। भगवान कहाँ रहते हैं, न वैकुंठ में न भगवत धाम में। भाव योग से जो हृदय कमल बन गया है उसमें आप रहते हैं, आज से माने वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, हर समय रहते हैं भगवान, 24 घंटे रहते हैं। और जैसा वो भावना करते हैं, यद धिया तौरुगाय विभवंती तत्त बपु प्रणय से सदनुग्रहाय, वैसे ही आप रूप धारण करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं, जैसे भक्त नाचाता है वैसे नाचते हो। इसलिए भाई इसी विषय पर भी सवेरे बोले थे हम और शाम को भी बोल रहे हैं, ब्रज यात्रा तो खत्म हो गई, अब जीवन यात्रा, जीवन यात्रा के लिए सच्चा दैन्य पैदा करो, अहंता ममता छोड़ दो तो भगवान आ जाएंगे तुम्हारे हृदय में। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो।